आप सभी को दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बताए। तो राजनीति के भविष्य के कुछ अंगारे लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ और इनकी तासीर का कुछ एहसास है मुझे, और इसी उम्मीद के साथ कि जो हमारे देश की भविष्य की राजनीति है कुछ और उज्ज्वल और प्रज्वल ये करेंगे। तो मेरे साथ सुष्मिता देव, आपका तारुफ करवाती हूँ। सुष्मिता देव मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला की अध्यक्ष यहाँ पर हैं और तमाम और उपाधि से मौजूद हमारे साथ हैं। जयंत चौधरी हमारे साथ हैं यहाँ पे, आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं। जयंत बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखते हैं और जब 2014 के चुनाव हुए तो आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस साल जो कैराना का उपचुनाव हुआ उसमें जो राजनीतिक गठजोड़ हुआ वो तो हुआ ही, साथ ही जो ज़मीनी मेहनत हुई, पहली सांसद मुस्लिम महिला, वो भी महिला चुनकर आरएलडी से यूपी से आई। हमारे साथ राघव चड्ढा मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे युवा हैं, यहाँ बता सकते हैं युवा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारे साथ यहाँ पर राघव अवस्थी मौजूद हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और साथ ही आरएसएस की विचारधारा हमें यहाँ पे समझाएंगे। और सबसे छोटे यहाँ पे अंकिव बसोया मौजूद हैं, एबीवीपी के अध्यक्ष अभी चुने गए हैं जो डूसू के इलेक्शंस हुए हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुष्मिता से ही मैं सवाल पूछना चाहूँगी। सुष्मिता, NDTV युवा ये हमारा कार्यक्रम है और एक डेटा जो हम सबके सामने हमारे देश में आता है कि 60% आबादी जो हमारे देश की है 35 साल से कम की है और 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। कांग्रेस के लिए ये डेटा क्या है, कांग्रेस इस युवा को कैसे देखता है? जो आंकड़े आप दे रहे हैं उससे एक और आंकड़ा मैं जोड़ देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इंडिया की जो लास्ट 2014 के आंकड़े हैं उसमें द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन, महिलाएं जो वोट देने के लिए आज बाहर आई हैं, उनका डिफरेंस पुरुषों से सिर्फ 1.46 है। ये महत्वपूर्ण डेटा इसलिए है क्योंकि हमें आने वाले चुनाव में ये सोचना है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम उनके बीच में जाना चाहते हैं। और इस चुनाव और पिछले चुनाव में एक अंतर होगा कि देश की जनता डिलीवरी पे मेरे को लगता है फोकस करेंगे, क्योंकि वादे मैनिफेस्टो एक मुद्दा होता है और परफॉर्मेंस दूसरा मुद्दा होता है। युवा और महिलाओं को लेकर हर पार्टी को सोचनी चाहिए कि किस तरह से हम उनको राज़ी करें कि हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी नीति क्या है जो उनके जीवन को छू सकती है। और महिला और युवा जिस तरफ झुकेंगे, मेरा ये मानना है अगले चुनाव में सरकार उन्हीं की बनेगी। ठीक है जयंत, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, जो युवा की जब हम डेटा की बात करते हैं तो एक ऐसे युवा का तस्वीर सामने आती है जो जीन्स पैंट पहने हुए, या लड़कियां जो संभ्रांत यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, शहरों में बसती हैं। जो हमारा ग्रामीण भारत का युवा है जो इन आंकड़ों में तो दर्ज है, लेकिन आप उसकी उपस्थिति को कैसे समझते हैं, क्या प्लेटफॉर्म आरएलडी उन युवाओं को दे रहा है? देखिए, आपका अच्छा सवाल है। शहरीकरण एक फिनोमेना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने कहा है कि मैं उस विषय पर फोकस करूं, ध्यान दूं, यहाँ बड़े बड़े शहर हैं, पुराने शहर हैं। एक जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं गाँव में जाता हूँ, नौजवानों से मिलता हूँ, जो चेंज आया है, 10 साल पहले एक समाज का जो ढांचा था, जो गाँव की परंपराओं में या गाँव के जो एल्डर्स हैं, जो जिनके हाथ में नेतृत्व की क्षमता थी या उनके हाथ में बागडोर थी, जो उनके फैसले होते थे, गाँव में रहने वाले लोग उसको निभाते थे। अब वो सोशल जो है सिस्टम चेंज हो गया है, बहुत गति से चेंज हो गया है। अब जो है इन्फ्लुएंसर, फैसला लेने वाले लोग वे लोग हैं जो शहर में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर उस परिवार की आमदनी खेती से आती थी, आज उसी परिवार की आमदनी उस नौजवान पर निर्भर है। तो वोट, समाज के फैसले, घर के फैसले, उनमें ज़्यादा दखल अब नौजवानों की है गांव में भी। और इसलिए गांव का नौजवान, उसके अंदर एक
एनर्जी है, उसके अंदर एक उत्सुकता है. सवाल यह है कि हमें उसे सही दिशा में ले जाना है. हमने देखा है किस तरह से अगर हम सही डायरेक्शन नहीं देते तो वो क्या हो सकता है. आज उसके अंदर एक गुस्सा भी मैं जज करता हूँ. हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं. मैं समझता हूँ कि लीडर जो भी हो, आज कोई है जिस पे पद है, कल को कोई और होगा. बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे जो समाज के हित हैं उनको सुरक्षित रखें, दिशा दें, जो समाज में अच्छी बातें हैं उनको उभारें, जो कुरीतियां हैं, जो ऐसी भावनाएं हैं द्वेष की, गुस्से की, जिनसे झगड़े हो सकते हैं, जिनसे उन्माद पैदा हो सकता है, जिनमें जातिता की भावना जिनमें छिपी है, जिनके पीछे, उन भावनाओं को दबाएं. गुस्से की बात की आपने, क्या गुस्सा आपने कुछ छात्रों से बात की जो आप गुस्से का जिक्र कर रहे हैं? गुस्सा है बिकॉज देखिए जॉबलेसनेस है. जो उनके परंपरागत फैमिली के काम थे उस पहचान से वे नौजवान अपने आप को जोड़ के नहीं चलना चाहता. उसे ये भी मालूम है कि उससे उसका गुजारा नहीं होने वाला है. तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर लगा हुआ है और वहीं वह सपने देखता है क्योंकि मीडिया से कनेक्टेडनेस एक आ गई है. उसको पूरी दुनिया की तस्वीर उसके सामने है. वो व्हाट्सएप पे है, सोशल मीडिया पे है, यस. सो उसे, और ये एक और चीज है, यूपी इतना बड़ा राज्य है, 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, वो सब लोग जानते हैं, पूरे देश में है. लेकिन यूपी के नौजवान की मैं कह सकता हूँ कि वो ये चाहता है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग है कि हम लोग बहुत ताकतवर थे, हमारे देश की राजनीतिक सत्ता भी हमारे हाथ से है और हम लोग जो फैसला लेंगे तो हम करवट लेंगे तो देश बदल जाएगा, क्योंकि शायद राजधानी के समीप ही लोग रहते हैं, तमाम प्रधानमंत्री यूपी से आए. सो इसलिए और भी ज़्यादा उनके अंदर एक अवेयरनेस. राघव, आपसे, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब आप लोग आए थे तो आपने सबके लिए वाईफाई की बात की, बसेस में मार्शल्स की बात की. बहरहाल वो हो ना सका या हुआ वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो तमाम खींचतान चलती रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने नज़रिए में जो युवा है वो शहरी युवा ही है. देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली में सरकार चला रही है. दिल्ली में गाँव देहात भी है, दिल्ली में शहर भी है. गांव देहात का युवा भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, शहर का युवा भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, बट ज़्यादा इलाका दिल्ली में जो पड़ता है वो शहर का पड़ता है. तो इसलिए जाहिर सी बात है कि शहरी युवा ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ. गांव देहात आउटर दिल्ली में है, बिल्कुल है, वहाँ का युवा. मैं दिन रात दक्षिणी दिल्ली के गाँव देहात में घूम रहा हूँ, वहाँ युवाओं से बात कर रहा हूँ. बिल्कुल युवा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और युवा बहुत पोलिटिकली अवेयर है. जो युवा है, आप युवाओं से बात करें तो आज वो जाति धर्म के डमरू पे नहीं जाते हैं. वो पूछते हैं, हमसे भी सवाल पूछते हैं, अन्य पार्टियों से भी पूछते हैं, नौकरी के सवाल पूछते हैं, बेरोजगारी के सवाल पूछते हैं, व्यवसाय के सवाल पूछते हैं, वाईफाई के सवाल पूछते हैं, स्किल डेवलपमेंट के सवाल पूछते हैं. तो अवेयर युवा है, चाहे शहर का युवा हो या गाँव देहात का युवा हो. तो क्या आप कह रहे हैं कि युवा जो है पूरा अवेयर है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं या उसके हक क्या उम्मीदें हैं उनकी? बिल्कुल, पहले से कहीं ज़्यादा अवेयर है. और मैं खुद युवा पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ, युवाओं के बीच रहता हूँ. आज का युवा पॉलिटिकली अवेयर है, उन्हें पता है कि कौन सा नेता क्या वादा कर रहा है, ये करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा वादा जुमला है, कौन सा वादा वास्तव में होगा. आप कह रहे हैं कि कौन सा नेता क्या वादा कर रहा है, पूरा करेगा कि नहीं, क्योंकि ये सवाल तमाम नेताओं पर लागू हो सकता है. राघव अवस्थी, आपसे सवाल ये है कि आप RSS से जुड़े हुए हैं. जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो RSS हमेशा कहती है कि वो जाकर मदद करती है. जब चुनाव होते हैं बीजेपी के लिए, तमाम RSS कार्यकर्ता ज़मीनी काडर के तौर पर काम करते हैं और ज़मीनी काम करके पार्टी को जिताते हैं. उनकी बीजेपी की जीत में RSS का बहुत बड़ा श्रेय है. लेकिन 2014 से देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 30% इजाफा हुआ है RSS में. और ये सिर्फ बीजेपी के कारण नहीं, नरेंद्र मोदी के कारण हुआ. तो ये मानते हैं जो RSS का विस्तार हुआ, जो RSS का विकास हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हुआ? इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा. पहला तो ये है कि RSS का प्रचार प्रसार तो पहले भी हो रहा था, लेकिन लोगों ने दिलचस्पी उसमें लेनी अधिक तब शुरू करी है जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं. और नरेंद्र मोदी की जो अभूतपूर्व जीत हुई थी 2014 में, और 1984 के बाद पहली बार उनकी वजह से विस्तार हुआ, आप ये नहीं मानते? मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ. और नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के बैकग्राउंड के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश करी, लोगों को पता चला कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं,
तो फिर आरएसएस में अपने आप से दिलचस्पी बढ़ी और लोगों ने जो आरएसएस की शाखा में शिरकत करना शुरू किया। पर इसमें जो एक लार्जर पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि जो जब युवा है आरएसएस की शाखा में जाता है तो वो ये देख अपना तो क्षेत्र निर्माण भी करना चाहता है, राष्ट्र निर्माण भी करना चाहता है, और साथ में जो दिल्ली बेस्ड लटियन एलीट इतने साल से बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी उन्हीं की सैटेलाइट ही हैं आज की तारीख में, चाहे जयंत चौधरी जी की राष्ट्रीय लोकदल हो, अखिलेश यादव जी अभी यहाँ बैठे हुए तो उनकी समाजवादी पार्टी है। तो ये जो वंशवाद की डायनेस्टिक एंटाइटलमेंट की राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उखाड़ फेंकने का, केवल राजनीतिक क्षेत्र से नहीं देश के हर क्षेत्र उखाड़ फेंकने का जज्बा आज युवा में है। वंशवाद तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको मैं भी बात करूंगी उस पर, क्योंकि जो बीजेपी के भी तमाम नेता हैं उनके जो वंशज हैं और जो उनके बच्चे हैं वो सब आप सब राजनीति में। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ, उत्तर दूंगा, छोटा सा उत्तर दूंगा। आप पैट्रिक फ्रेंच की किताब पढ़ें, पैट्रिक फ्रेंच की बहुत बढ़िया किताब है, 2011 में लिखी गई है। ये आपकी बात सही है कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद से बिल्कुल मुक्त है, लेकिन परसेंटेज अगर आप हेरिडिटरी एमपीज की देखें तो सुष्मिता जी बैठी हुई हैं कांग्रेस पार्टी की, उसमें सबसे ज्यादा। राघव, मेरा जो आपसे सवाल था, जो मैंने आपको युवाओं से जुड़ा ये पूछना चाह रही हूँ कि जो शाखा है हमारे देश में, ये आरएसएस के एनुअल उसमें कहा गया 58,976 शाखाएं हैं और हर रोज 37,190 लोकेशंस में हर सुबह इन शाम सुबह जो लोकल पार्क्स होते हैं उसमें लोग मिलते हैं आरएसएस के, कितने युवा इसमें होते हैं, कुछ आंकलन है? युवा होते हैं, मैं खुद भी जो है देखता हूं अब तो युवाओं की संख्या जो है खासी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे युवा हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उनके लिए तो शाखा शाम को ऑर्गेनाइज करने का भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो युवा तो जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमेशा से है और रहेगा, मीडिया को हाँ आप देखना ज़्यादा प्रारंभ हो गया है। अंकित बसोया हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, आप अभी पढ़ ही रहे हैं और आप राजनीति से जुड़े और आप अध्यक्ष का पद आपने अभी जीता है, क्या इसको आप अपने एक करियर के तौर पर देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने नाते धन्यवाद करना चाहूँगा एवीपी का कि उनने एक अंकित बैसोया जो कि एक बहुत ही मध्यम वर्ग से आने वाला छात्र है उसे डूसू का प्रेसिडेंट बनाने लायक समझा और उसे एक नेतृत्व सिखाया कि इस तरीके से आप लीडरशिप कर सकते हैं। तो एवीपी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले मैं आपसे, जहाँ तक की राजनीति की बात है, एवीपी हमें सिखाती है स्टूडेंट एक्टिविज्म, और मैं कहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर भारतवर्ष में कोई भी यूनिवर्सिटी है, हर एक स्टूडेंट को स्टूडेंट एक्टिविस्ट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड में नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सोशल फील्ड में हो। मेरा सवाल ये था, क्या आप इसे अपने लिए एक रोजगार के तौर पर, करियर के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि जो रोजगार एक ऐसा एक समस्या है और हर युवा अपने लिए एक भावी भविष्य देखता है कि उसको अपने घर को, परिवार को देखना है, पालना है, पोसना है, तो आपको लगता है कि आपके लिए मैं पर्सनली क्या ऑप्ट करना चाहूँगा करियर के रूप में? आपकी आवाज़ में सुन नहीं पा जी, आप पता करना चाह रहे हैं पर्सनली मेरा खुद का आपके लिए क्या ये करियर है? राजनीति में आप भविष्य में अपना करियर देखते हैं? मैं ज़रूर अपना भविष्य राजनीति में देखता हूँ और इसका श्रेय मैं सिर्फ एवीपी को देना चाहूँगा कि उनने मेरे जैसे क्या लुभाता है आपको कि इसमें करियर के तौर पर देखना? देखिए, ये युवा का सेशन है इसलिए युवा के बारे में बोलना चाहूँगा। अगर देश में किसी को कोई चीज़ समझ सकता है तो युवा समझ सकता है। युवा को पता है कि आगे जहाँ देश को किस तरीके से संभालना है। जैसे पेड़ की जड़ होती है उसी तरीके से युवा देश की जड़ है और युवा ही आगे तो नेतृत्व संभाल सकता अपने है। परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म करियर के तौर पर देख रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, कुछ सोचा आपने या अभी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पढ़ाई इतनी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं कहीं सुन रही थी ज्यादा क्लासेस में तो आप गए नहीं, अगर आप प्रचार में ही बिजी थे। नहीं, प्रचार तो हमारा खाली 1-2 महीने का होता है, उसका पढ़ाई तो हमारे लेकर चलती ही रहती है और हमारे यूनिवर्सिटी के जो लिंगडो कमेटी का रूल है उसके हिसाब से आपकी अटेंडेंस होगी, आपके नंबर होगी, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। तो पढ़ाई पे तो अगर आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो तो आपको पढ़ाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी। आपने अपनी तमाम क्लासेस अटेंड की हैं बुद्धिस्ट स्टडीज की? नहीं, बुद्धिस्ट में मेरा फर्स्ट ईयर है, वैसे उससे पहले जिस कॉलेज में रहा हूँ मैंने वहाँ पे सारी क्लासेस अटेंड करी है। ठीक है, ठीक है। सुष्मिता, रोजगार को लेकर सवाल,
क्या अपने आप में जो हमारी भविष्य में जो युवा मौजूद हैं क्या रोजगार इसमें देख सकते हैं? क्या रोजगार राजनीति में उनको नजर आता है? क्यों जुड़े हमारे देश के युवा, क्यों जुड़े राजनीति से? सी, अगर आज मुझसे कोई पूछे कि आपका पेशा क्या है, मैं कहूँगी वकालत है, क्योंकि आई हैव अ डिग्री इन LLB LLM, मैंने 10 साल प्रैक्टिस किया है। ये अलग बात है कि राजनीति में आने के बाद मुझे वक्त प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता। मैंने 2010 या 11 में आई गिव अप माई प्रोफेशन, क्योंकि देखिए राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि इसमें आप अपनी तनख्वाह को देखकर नहीं जा सकते, इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं है, इसमें आप लोगों से जुड़ते हैं और लोगों की समस्या से आपका वक्त जुड़ा है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप सुबह 5 बजे नहीं काम करेंगे या रात के 2 बजे नहीं काम करेंगे। अगर कहीं आपकी ज़रूरत एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से रात के या सुबह 4 बजे आपकी ज़रूरत हो, आपको जाना पड़ेगा। सो राजनीति को अगर हम पेशे की तरह देखें तो इसमें कोई प्रमोशन की गारंटी नहीं है, इसमें डिमोशन नहीं होगा मेहनत करने से, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो राजनीति को कभी भी अगर आप पेशे की तरफ देखेंगे डाउनफॉल आएगा। आप राजनीति से क्यों जुड़े? I'll tell you something. मेरे फादर, he said about dynasty, but I learned one thing from my father. He says, अगर आप सोचेंगे कि राजनीति is to put food on your table, राजनीति is your job, फिर आप किसी भी हद तक जाएंगे पावर में रहने के लिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी है। पर अगर आप राजनीति को देखेंगे कि मैं आज नीति बनाने के लिए राजनीति में हूँ, नीति के बारे में सोचने के लिए राजनीति में हूँ, और जो भी दायित्व मुझे मेरी पार्टी देगी उस फील्ड में काम करने के लिए हूँ, एक परिवर्तन लाने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। इसलिए जब आपको कोई चीज़ सूट नहीं करेगा, आप उससे पीछे भी हटने की हिम्मत रखेंगे। राजनीति में आना बहुत आसान है, पर कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे ये 4 चीजें पसंद नहीं आई, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ। वही लोग जो आपने कहा कि राजनीति में आना बहुत आसान है, शायद इतना आसान नहीं है। मेरा सवाल जयंत आपसे ये है कि एक समय जो हमारे देश के जो नेता थे, हम जब गुलाम रहे उसके बाद जो एक शीर्ष नेतृत्व आया, बापू आए, पंडित नेहरू आए, अगर राघव की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, तमाम जो एक शीर्ष नेतृत्व था हमारा, वो एक विचारधारा के तहत हमने देखा राजनीति एक प्रोफेशन के तौर पर सामने था। लेकिन अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत हो गया और तमाम लोग ऐसे राजनीति से सब जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या लालायित करे राजनीति से जुड़ने के लिए किसी युवा को? क्योंकि कुछ परिवारों के तहत तो हम कह सकते हैं, जो राघव ने सवाल उठाया या सुष्मिताएं, आपके तो दादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो जो परिवारवाद की तरह आता है वो सवाल मैं दूसरा करूंगी, लेकिन पहले ये क्यों जुड़े कोई राजनीति से जब आपका भरण पोषण नहीं है, सिर्फ बदलाव के लिए है? तो बदलाव के लिए तो एक समय के बाद, क्योंकि खुद सुष्मिता किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से LLM कर चुकी हैं और 10 साल वकालत कर आई हैं, तो क्या है इसमें सत्ता पावर जो खींचती है? अब देखिए, आप जो सवाल कर रही हैं ना, ये बिल्कुल वाजिब बात है और मैं राजनीतिक जवाब आपको दे सकता हूँ, लेकिन असलियत क्या है वो जितने लोग बैठे हैं आपको भी पता है। जब तक जो मतदान करता है उसके जहन में असल मुद्दे नहीं रहेंगे, वो उस आधार पे वोट नहीं करेगा। अगर वोटिंग पब्लिक के लिए मुद्दे नहीं है तो हम यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं? अगर करप्शन मुद्दा नहीं है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो लोग चला रहे हैं वो कहेंगे भाई विनेबल कैंडिडेट लाओ, जीतने वाले उम्मीदवार लाओ, अगर यही लोग जीत रहे हैं तो इन्हीं को टिकट मिलेगा। तो एक अभिमन्यु की तरह हम देश के मतदाता आम लोग चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे? अंडा आएगी पहले, मुर्गी आएगी। मेरे दादाजी चौधरी चरण सिंह जी अपने नैतिकता के लिए माने जाते हैं। वे एक समाज सुधारक भी थे, अर्थशास्त्र के विषय पर उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनका एक अपना दर्पण था, एक विचारधारा थी। और चौसा भी मानते थे कि जो कुछ भी है, लीडर हैज़ टू सेट एन एग्जांपल, ऊपर से नीचे बहता है। अगर आज
कोई मुख्यमंत्री है, कोई बड़े पद पे बैठा है विराजमान, अगर उसके नैतिकता पे ही सवाल उठ रहे हैं या ये माना जाता है कि वो एक एक संप्रदाय विशेष के लिए काम कर रहा है या उसी से जुड़ाव रखता है, तो फिर वह चीज़ नीचे तक पहुँचेगी। आज मैं समझता हूँ कि शायद मोदी जी किसी को नहीं कह रहे हैं कि जाके उसको मारो, लेकिन उनका नाम लेके या साहस लेके कि अब वो हैं, अब हम पे हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, लोग जाके आम राह चलते आदमियों को छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अबाउट वैल्यू सिस्टम। तो अगर वैल्यू सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और राघव चड्ढा तो खुद सीए यहाँ पे आए, लेकिन राघव अवस्थी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या जो ये सोशल मीडिया है इज द न्यू मसल पावर इन आर कंट्री नाउ, आपको ये लगता है सोशल मीडिया क्या ये एक नया मसल पावर के तौर पर उभर कर सामने आ गया है? कैसे आकेंगे आप ब्लॉग्स भी लिखते हैं इसलिए मैं मुझे आपका प्रश्न जो है थोड़ा कम समझ में आया, पर मैं जो समझ में आया पहले मैं वो बताता हूँ, आपके प्रश्न को अपने शब्दों में पैराफ्रेज करता हूँ। आपने ये कहा कि जो सोशल मीडिया है उसको यूज करके जो है, देखिए जो बीजेपी पार्टी है उसने तमाम अपने मेंबर्स, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कह के नंबर स्टैटिस्टिक्स सामने रखे हैं, और चेष्टा लोगों की यही रहती है कि एक तरह से ज़्यादा मीडिया में उपस्थिति हो। मैं आपसे ये समझना चाह रही थी एज अ थिंकर, क्योंकि आप विचारक हैं, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने एक तरह से औजार दे दिया है लोगों को, एक पटल तो दिया है अपनी बात सामने रखने के लिए, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं, उसमें अपना दखल, अपना अंदाज, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक नया आयाम हम सबके सामने आकर खड़ा हो गया है, जिसको कंट्रोल करना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, सोशल मीडिया से जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि आज से जैसे मान लीजिए आप 40 साल पहले का एक अपना थ्रोबैक में हम जाते हैं, फ्लैशबैक में, तो हम देखते हैं कि वही कुछ नेता होते थे, उनके कुछ संपादकों से साठगांठ होती थी, और वही लोग मिलके जो है जो अखबारों में छापते थे वही जनता के पास जाता था, और एक तरीके से ये एक थॉट पुलिस की तरह था जो जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में लिखा है। तो ये जो परवेजर थॉट पुलिसिंग थी जो हमारी पॉलिटी में घुस गई थी, सोशल मीडिया के आने के बाद ख़त्म हो गई है, और मेरा जो विचार है मैं वो रख सकता हूँ सोशल मीडिया पे, और मेरे पास जो है कोई एडिटर ऐसा नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज मेरी बात को जो है काट सकता है या मेरी बात को एडिट या सेंसर कर सकता है। तो सोशल मीडिया तो लोकतंत्र को सबसे ज्यादा, ठीक है, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही थी कि हमने देखा सुष्मिता किस तरह से मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस को अपने नेताओं का चुनाव करना था, जब टिकट देने थे तो कहा गया कि आपकी इतनी ट्विटर लाइक्स होनी चाहिए, इतना फेसबुक में आपको पसंद होना चाहिए, तो अपने आप में ये एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे लोग अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को आंक रहे हैं। ये सच है कि सोशल मीडिया का रोल बढ़ता जा रहा है, पर मेरा मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया से किसी नेता का विचार नहीं हो सकता कि वो कितने पॉपुलर हैं या अनपॉपुलर हैं। मैं इतनी टेक सेवी तो नहीं हूँ, पर हाल ही में बॉट्स को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस की हु हैज़ यूज्ड बॉट्स। सो अगर भारतवर्ष को देखा जाए, बहुत करोड़ों लोग हैं जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, इट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। इसलिए सोशल मीडिया का एक एडवांटेज ये है कि तुरंत जो इमीडिएट मैसेजिंग उसमें होता है, और जो नेताओं का फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर पे जो रीच है उससे ये भी पता लगता है कि उनका डिजिटल रीच कितना है, जो माने रखता है आज की डेट में चुनाव में, पर वही सिर्फ क्राइटेरिया होना चाहिए मेरा मानना है वो सही नहीं होगा, पर डेफिनेटली इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। पर आप जो सवाल कर रहे थे अबाउट द मसल ऑफ सोशल मीडिया, मसल ऑफ सोशल मीडिया मैं मानती हूँ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। आपको कोई भी कुछ भी कहकर, जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर गए, उनकी पिक्चर्स ट्वीट हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है बीजेपी के मंत्री नेता की, वो फेक पिक्चर्स हैं। तो उस लिहाज से जब ये इस तरह का द्वंद्व चलता है, ये हमारी राजनीति को किस स्तर पर लेकर आता है? जयंत, राघव, आप कोई भी बोल सकते हैं, राघव चड्ढा आप भी बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ट्विटर वॉरियर्स की एक नई फौज तैयार हुई है। ये पॉलिटिक्स के लिए भी बैरियर टू एंट्री खड़ा कर गई है। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती भी है, टेक्नोलॉजी एक्सक्लूड भी करती है।
बहुत से लोग अब इस दायरे के बाहर भी जा चुके हैं और सवाल ये है कि अब ये कहाँ तक कहाँ जाके रुकेगा, ये भी स्टेट के लिए समझना मुश्किल है, एक आम नागरिक के लिए समझना मुश्किल है। हमारे देश में कोई प्राइवेसी का कानून नहीं है और भाषा बदल रही है। देखिए, मैं तो मानता था वायरल शब्द बुखार होता था, अब वायरल हर एक नौजवान से पूछे मैं चाहता हूँ वायरल हो जाए। डिसरप्शन, डिसरप्शन वॉज गिवन अ नेगेटिव कॉनोटेशन व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, कि डिसरप्ट हो जाएगा, यू नो, गति टूट जाएगी। आजकल पीपल आर, यू नो, दे वांट डिसरप्शन, सो समय बदल रहा है। ठीक है, ऑडियंस से कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी, एक सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल राघव जी से है। राघव जी, आप जी आरएसएस, पहले कहा जाता था कांग्रेस के बारे में कि रिमोट कंट्रोल कहीं और है, आज रिमोट कंट्रोल आपको नहीं लगता है कि नागपुर में है? क्योंकि आप संगठन मंत्री अपॉइंट करते हैं, आप अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड होती हैं, तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि आरएसएस खुलकर मैदान में आ जाए? क्यों उनको जनसंघ की ज़रूरत पड़ती है या क्यों उनको बीजेपी जैसे संगठन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने आप को पॉलिटिकल क्यों नहीं डिक्लेयर कर लेते हैं? मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। पता नहीं आपने वॉल्टर एंडरसन की नई किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पर मैं आपको आगाह करूंगा कि यदि आरएसएस की वर्किंग को आपको समझना है तो बहुत अच्छे से आपको उस किताब में समझाया गया है। आरएसएस, ये बात सही है, जितने आनुषंगिक संगठन है उसमें हर स्तर पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी या संगठन महामंत्री जिसको कहा जाता है वो अपॉइंट करती है, पर उसका काम कोऑर्डिनेशन का होता है। डे टू डे वर्किंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसी विषय पर कोई ओपिनियन होता है और स्वदेशी जागरण मंच का कुछ और होता है या भारतीय मजदूर संघ का कुछ और होता है, तो सबसे ओपिनियन लिया जाता है। आरएसएस का काम जो बहुत हद तक ये होता है कि जितने आनुषंगिक संगठन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और सब एक दिशा में काम करें। यह कहना कि आरएसएस बीजेपी, मतलब कि बीजेपी कहीं से रिमोट कंट्रोल से चल रही है, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये सही बात होगी। और किताब पढ़ें, किताब दो अमेरिकन ने उन्होंने लिखी है, तो ये कोई पार्टिजन व्यू पॉइंट नहीं है। चलिए, उम्मीद है हमारे देश में भी जल्द किताब लिखी जाए, क्योंकि तमाम जो आपने लेखकों के ब्यौरा दिया वो तमाम विदेशी लेखक हैं। अखिलेश शर्मा, मुझे कहा जा रहा है मेरे सहयोगी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल जयंत जी से है। जयंत जी, आपसे सवाल ये कि अभी जिस तरह की कामयाबी आपको मिली कैराना के लोकसभा उपचुनाव में, एक बात ये कही गई थी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी आबोहवा बिगाड़ दी गई थी, तो आपको लगता है कि इस जीत के ये भी मायने हैं कि एक बार फिर से जो सांप्रदायिक सौहार्द रहे वो स्थापित हुआ है, सब समुदाय के लोग एक साथ वापस आ रहे हैं? देखिए, वो एक उम्मीद जागे। इंसान इतना जीतने से नहीं सीखता जितना हारने से सीखता है। हम सब लोग हार गए, हमने सोचा कि क्या कारण रहे, दंगा उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। मैं मानता हूँ कि जो लोग साथ चला करते थे, साथ मतदान करते थे, जो हमारी पार्टी की भी रीढ़ थी, वे टूट चुकी थी, तो हमने दोबारा उसको बनाने के लिए, उस ताने बाने को ज़िंदा करने के लिए मेहनत करी है, उसके उस प्रयास का ये नतीजा आया है और एक पॉजिटिव मैसेज गया है। देखिए, मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि जहाँ मैं रहता हूँ वो क्षेत्र बदनाम हो, वे लोग बदनाम हो। आप मुजफ्फरनगर टाइप करती निधि जी एक साल पहले, आज शायद आज भी आप गूगल में टाइप करेंगी तो जो टॉप सर्च रिजल्ट्स हैं वे दंगे से रिलेटेड हैं। इसलिए मुजफ्फरनगर शामली का कोई नौजवान अगर बैंगलोर नौकरी के लिए जाता था, उसे किराए पे कोई मकान नहीं देना चाहता था। तो कम से कम कैराना की जीत से हमने ये साबित किया कि यहाँ के लोग कॉम्युनल नहीं हैं, नहीं थे, वे एक एबरेशन था। उस घटना को, उस हिंसा को लोग भुलाकर अब फिर दोबारा एक साथ। लेकिन जयंत, परेशानी नहीं होती, आप तमाम लोग युवा मौजूद हैं, कि अगर एक दलित दूल्हा अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसको, हाथरस की कहानी, कासगंज की कहानी है, कि उसको पहले पुलिस पे जाना पड़ता है, पुलिस सहायता नहीं करती, अफसरों के पास जाता है वो सहायता नहीं करते, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं मुख्यमंत्री सहायता नहीं करते, फिर जाके जो तमाम जो प्रशासन है वो मिलकर उस बेचारे की बारात निकलवाता है। तो जो हम दलितों के उत्थान की तमाम राजनीतिक दल, आप सब मौजूद हैं, बात करते हैं, क्यों किसी को अपनी बारात निकालने के लिए इतना दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है? ये बहुत बड़ा कलंक हम सबके लिए है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ स्थानीय प्रशासन ने हाई कोर्ट में जाके दलील दी कि हम इसको सुरक्षा नहीं दे सकते, प्रदान नहीं कर सकते, और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हमारा ये सुझाव है कि इसको जो है
अभी इजाजत नहीं दी जाए, ये तो कोर्ट के आदेश थे, उसके बाद ये लोग मजबूरी में लोग गए। जो बुनियादी ढांचा है बदल भी रहा है, लेकिन बहुत चीजें अभी भी वही की वही हैं। आप गांव में जाके देखिए, मोहल्ला पे मोहल्ला डिवाइडेड है। अगर कोई जनप्रतिनिधि वहां काम देना चाहेगा तो वो भी तय करेगा अगर प्रधान किस जाति का है, वो अपने यहाँ कराएगा, अपने मोहल्ले में कराएगा, शायद वो दलितों के मोहल्लों में नहीं कराएगा। आज बिल्कुल भेदभाव है, क्योंकि नहीं मोड़ सकते जिस बिल्कुल। और जिस तरह से एक वीडियो लॉन्च जारी किया था राजस्थान के, बिल्कुल मैं एक सवाल लेने आ रही हूँ। एक जो राजस्थान, जो मैंने आपसे मसल पावर का सवाल पूछा था राघव, वो इसलिए पूछा था, हमने देखा राजस्थान में एक शंभूलाल रैगर था, उसने किसी को मारकर वीडियो डाल दिया, अपना सोशल मीडिया पे डाला था, और उसके बाद किस दल से क्या जोड़ा गया ये सामने आया। लेकिन जो इस तरह की हिम्मत लोगों में आ गई, वो अपने आप में क्या आप युवाओं के मन में चिंता नहीं डालती, क्योंकि आप तो लीगल फ्रेटर्निटीज हैं? इसका बहुत लंबा जवाब तो नहीं, संक्षेप में मैं जवाब देना चाहूँगा। ये जो हिम्मत की और इम्प्यूनिटी की बात करी जा रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि 2014 में हिम्मत ज़्यादा या कम हुई है। मैं 2006 में भी, मैं तो तभी भी अखबार पढ़ता था, न्यूज़ चैनल देखता था, तो मैंने पढ़ा था खैरलांजे में इंसिडेंट हुआ था और इतना ज़्यादा ग्रूसम था, उसमें नेक्रोफीलिया और पता नहीं क्या क्या देखा गया था। ऐसा इंसिडेंट तो मैंने पिछले 4 साल में उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और कोई मुझे लगता नहीं ऐसी कंक्लूसिव स्टैटिस्टिकल एविडेंस है कि हिम्मत बढ़ गई हो या कम हो गई हो। मिर्चपुर के इंसिडेंट के बारे में हमें पता है, तो ये ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के जब से सत्ता आने के बाद ये मीडिया को जो है, ये दलित मुस्लिम और ये सब थोड़ा ज्यादा सेक्सी लगने लगा है, और विदेशी मीडिया भी उसको कवर करता है, तो लोग अपना कवर कर रहे हैं। की बात हो जाती है, क्योंकि अगर सुष्मिता, मैं महिलाओं का पूछना चाह रही थी, लेकिन जो इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री बोरा समाज के उसमें जा रहे हैं, तो जो पॉस्चरिंग है वो आज की राजनीति में उफान पे, क्योंकि अगले साल चुनाव है। सी इज इट गुजरात के चुनाव में मैं कई बार राहुल गांधी जी के उसमें थी, प्रोग्राम में थी। सी जब कोई मंदिर में जाता है या मस्जिद में जाता है या गुरुद्वारा में जाता है, वहाँ के लोगों का एक डिमांड रहता है कि आप यहाँ आइए। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं हम यहाँ जाएंगे इस कारण से, वहाँ जाएंगे उस कारण से। और अगर ऐसी मांग जनता के बीच में से आए, ये कहना कि मैं यहाँ जाऊँगा और वहाँ नहीं जाऊँगा, वो राहुल गांधी जी की नीति नहीं है। हाँ, उसके ऊपर चर्चा होता है, डिबेट होते हैं, लोग कमेंट करते हैं, वो उनका अधिकार है, बट इट इज़ मतलब ज़मीनी तौर पे जो माहौल होता है और उसके कारण अलग अलग होते हैं। क्या कह रहे हैं, लोगों की डिमांड होती है। आखिर में एक सवाल में राघव चड्डा आपसे, पॉस्चरिंग की बात हो रही है, आपको जब एडवाइज़र पद से हटाया गया तो आपने 2.5 रुपये का चेक गृह मंत्रालय को वापस किया था, क्या 2.5 रुपये की सैलरी मिली थी आपको, ये क्या था, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे क्योंकि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हाँ। तो कुछ महीने के लिए दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री जी के साथ एक एडवाइज़र के तौर पे रखा गया था, क्योंकि मैं इतनी किताबें तो नहीं पढ़ी जितनी राघव ने पढ़ी हैं, बट पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मुझे मौका दिया गया। मैं लगभग 2.5 महीने के लिए ठीक है वहाँ पर नौकरी कर रहा था, और मैंने 1 रुपया, क्योंकि यदि आप जब फॉर्मली अपॉइंट होते हैं तो आपको कुछ वेतन लेना पड़ता है, तो मैंने 1 रुपये का वेतन लिया था। अब राघव अवस्थी एंड जयंत हमारे पुशअप्स करने वाले हैं। Doesn't matter, RLD will take on. आइए। पूछा था ये कि मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा, पता नहीं यहाँ पे कितने लोग है गेम ऑफ थ्रोन्स कोई देखता है। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने एक बार शो रनर्स को लिखा था कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इतना मेरा हाइट और चेस्ट के डायमेंशन ये हैं, मुझे प्लीज एक डॉथराकी हॉर्स लॉर्ड का रोल दे दें। वेस्टरोसी का तो आप देंगे नहीं क्योंकि मेरा चेहरे का जैसा रंग है, पर उन्होंने जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अगर आप लोगों में से कोई मेरी बात पहुंचा सकता है तो गर्मी की छुट्टियों में अगर उनका कोई शूटिंग स्केड्यूल है तो मैं करने को राजी हूं। तो यूथ पावर जो है हमारी जयंत, अरे चलिए चलिए आइए, विल बी सो नाइस। थैंक यू। थैंक यू।
Thank you so much. Great. Thank you. Thank you. Jen, come. Thank you so much. Thank you so much, Jen. Raghav, thank you so much. Thank you. That was splendid. Absolutely, thank you.